नमस्कार, बहुत इस्तकबाल है आप सबका उड़ानिया यस की डिजिटल इकाई अभी प्लस टीवी में। मैं हूं रोहित कुमार और यहां बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों की। कार्यक्रम का नाम है आकार और आज जिस मुद्दे के साथ उपस्थित हुए हैं उसका नाम है सरकारी बैंकिंग प्रणाली। क्यों बात करेंगे? बीते महीने भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक पर कार्रवाई करते हुए ऐसे अगले 6 महीनों तक किसी भी प्रकार का कार्य न करने का आदेश दिया था। साथ ही आरबीआई ने पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए पैसे निकालने की सीमा भी निर्धारित कर दी थी। पीएमसी बैंक देश में सबसे बड़े शहरी सहकारी बैंकों में से एक है जिसकी कुल जमा 11,617 करोड़ रुपए से भी अधिक है। देश का इतना बड़ा सहकारी बैंकिंग प्रणाली हेतु चिंता का विषय है। तो ये रुपए से अधिक और देश का इतना बड़ा सहकारी बैंक जिस प्रकार के संकट का सामना कर रहा है वो देश के लिए एक चिंताएं खड़ी कर देने वाला भी काम हो सकता है। तो सहकारी बैंकिंग प्रणाली के लिए भी एक चिंता का संकट है। इस प्रकार से इनकार नहीं किया जा सकता कि सहकारी बैंकों ने देश के गांव और कस्बों में आम लोगों की बैंकिंग से जोड़कर न केवल बैंकिंग प्रणाली के विकास में योगदान दिया है अपितु देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब जानते हैं कि क्या होते हैं सहकारी बैंक। चूंकि हम सहकारी जो बैंकिंग प्रणाली है उसकी बात कर रहे हैं तो सहकारी बैंक क्या होते हैं ये जान लेना जरूरी है। सहकारी बैंक का अर्थ उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर सरकारी दोनों शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा देते हैं। सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय जो सुविधाएं हैं वो भी प्रदान करते हैं, जैसे कि पैसा जमा करवाने जैसी हैं अथवा उनको लोन देने जैसी हैं और बैंक खाता खुलवाने जैसी सुविधाएं वो वहां पे देते हैं। सहकारी बैंक उनके संगठन उद्देश्यों मूल्यों और शासन के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों से अलग होते हैं, अलग किस्म के होते हैं। अगर अपन सहकारी बैंक का जो प्राथमिक लक्ष्य है उसकी बात करें तो अधिक से अधिक उसका लाभ कमाना नहीं होता अपितु अपने सदस्यों को सर्वोत्तम प्रोडक्ट और सेवाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य होता है। सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों द्वारा ही किया जाता है जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा विनियमित किए जाते हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के साथ साथ बैंकिंग कानून अधिनियम 1965 के तहत आते हैं। सहकारी बैंक सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किए जाते हैं। अब अपन जानेंगे, ये हमारी बात की थी सहकारी बैंक क्या है, अब जानेंगे सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर। क्योंकि हमने जाना है कि जो सहकारी बैंक है उनका जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना नहीं है बल्कि अपने जो उपभोक्ता है उनको सर्वोत्तम किस्म के उत्पाद उपलब्ध करवाना और सेवाएं देना है। तो अब ये जानना जरूरी होता है कि सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर क्या है, जान लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक यानी ज्वाइंट स्टॉक बैंक है जबकि सहकारी बैंक सहकारी संस्थाएं होती हैं। वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण के अधीन है। सहकारी बैंक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन है। सहकारी बैंकों में वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कई तरह की बैंकिंग सेवाएं देने की कम क्षमता होती है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का दायरा सहकारी बैंकों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। सहकारी बैंकों की ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक रहती है। अब सहकारी बैंकों के इतिहास के विषय में जान लेते हैं, वो किस तरह से अस्तित्व में आए ये जान लेना भी जरूरी हो उठता है। तो चलिए समझते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किसानों, कारीगरों और समाज के अन्य वर्गों के लोगों के विकास में मदद करने हेतु बचत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई थी। भारतीय सहकारी बैंकिंग का इतिहास वर्ष 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के पारित होने के साथ शुरू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य सहकारी ऋण समितियों की स्थापना करना था, बैंकिंग की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य स्थापना करना था और स्वतंत्रता के अगर अपन बात करें कि बाद पहले 3 वर्षों के दौरान यानी वर्ष 1949 तक सहकारी बैंकिंग की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य संभव नहीं हो पाया। हालांकि तब तक तात्कालिक भारतीय नेता देश की जड़ों को मजबूत करने के लिए सहकारी बैंकों की भूमिका को पहचान चुके थे। इसी के कारण शुरुआती जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें देश में सहकारी जो बैंकों के जो ढांचे हैं उसको मजबूत करने के लिए भी अलग अलग जो काम है वो किए गए थे। उल्लेखनीय है कि शुरुआती पंचवर्षीय जो योजनाएं रही हैं उनमें सहकारी बैंकिंग से संबंधित प्रावधान होने के बावजूद इसका अत्यधिक विकास संभव नहीं हो पाया जिसके चलते इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की गई।
छठवीं और सातवीं पंचवर्षीय योजना ने देश के सहकारी ढांचे के विस्तार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हमने जाना है कि किस तरह से एक क्रमिक विकास सहकारी बैंकों का रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं में भी इनका ढांचा तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। अब हम जिस टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, सहकारी बैंकों का उद्देश्य क्या है, वो जान लेना जरूरी है। ग्रामीण वित्त पोषण और सूक्ष्म वित्त पोषण हेतु सहकारी बैंक बहुत लाभदायक हैं। इनका एक अपना ध्येय है और आम नागरिकों को बिचौलियां और साहूकारों के शोषण से बचाया जा सके और कम ऋण पर इनको जो लोन है वो दिया जा सके। तो इस उद्देश्य से भी इनको अस्तित्व में लाया गया था। देश के किसान और जो गरीब हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरे और उन्हें सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध हो, इसलिए इनको अस्तित्व में लाया गया। तो ग्रामीण वित्त पोषण और सूक्ष्म वित्त पोषण हेतु इनको अस्तित्व में लाया गया, बिचौलियों से साहूकारों के शोषण से मुक्त करवाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जरूरतमंद लोग हैं और किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए इनको अस्तित्व में लाया गया। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लघु उद्योग और स्वरोजगार गतिविधियों में संलग्न जो लोग हैं उनको व्यक्तिगत सेवाएं, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए भी इनको अस्तित्व में लाया गया। तो ये सहकारी बैंकों के को विकास करने का एक उद्देश्य रहा है और उद्देश्यों में हमने बात की है। बात करेंगे सहकारी बैंकों का महत्व क्या है। सहकारी बैंकों ने गांवों और कस्बों में आम लोगों को बैंकिंग से जोड़कर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के सहकारी ऋण ढांचे का मुख्य उद्देश्य आम जनता को पारंपरिक ऋण स्रोतों का एक बेहतर विकल्प प्रदान करना है और सहकारी बैंकों ने उस उद्देश्य की प्राप्ति में बेहतर प्रदर्शन किया है। सहकारी बैंक ग्रामीण ऋण और कम पढ़े लिखी आबादी को परंपरागत उधारदाताओं के चंगुल से बचाते हैं। ध्यातव्य है कि देश में परंपरागत उधारदाताओं ने दशकों से अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है और ऋण पर ब्याज की ऊंची दर लगाकर वे आज भी गरीब लोगों का शोषण कर रहे होते हैं। नहीं, ये अपन कहेंगे कि ये आज के दौर में भी बड़ी मात्रा में अपन इनकी जो घटनाएं हैं जो देख सकते हैं। इस तरह की सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को अपेक्षाकृत काफी जो सस्ती ब्याज दर है उन पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर अपने सदस्यों को अच्छी सेवाएं देना है। सहकारी बैंक ने कृषकों के बीच बचत की आदतें विकसित कर बचत और निवेश को प्रोत्साहित किया है। तो ये हमने इसके महत्व के बारे में जाना है। तो चूंकि हमने स्टार्ट में जाना है कि ना केवल जो कॉरपोरेटिव बैंक है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं अर्थव्यवस्था के विकास में, बल्कि सहकारी बैंकों का भी उतना ही योगदान है। तो ये एक जरूरी हो उठता है कि हम जाने सहकारी बैंक और अर्थव्यवस्था के विषय में। तो सहकारी बैंक और अर्थव्यवस्था में अगर अपन जाने तो देश के नागरिकों की जो आर्थिक वृद्धि है उसमें देश की वृद्धि छिपी हुई होती है और दुनिया भर में जितने भी सहकारी ढांचे काम कर रहे हैं उनके प्रमुख सिद्धांतों में सदस्यों का आर्थिक विकास पहले स्थान पर है। तो भारत में सहकारी बैंक कई लोगों के लिए लाइफलाइन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज देश भर में सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंकों के साथ काम कर रहे हैं और कृषि आधारित कार्यों में लगे लोगों के लिए आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के सहकारी बैंकों को बदलते समय के साथ आवश्यकता अनुसार बड़े बदलावों की आवश्यकता है, जरूरी है, क्योंकि वक्त है वो परिवर्तन वक्त है, वो ना केवल सरकार हर एक चीज में मांगता है। तो बहुत जरूरी है कि सरकारी बैंकों को भी बदलते समय के अनुसार जो आवश्यक परिवर्तन है, जो संशोधन है वो उसमें किए जाएं और जो बड़े बदलाव हैं जिनकी आवश्यकता इसमें महसूस की जाती है उनको व्यवहार में लागू किया जाए। तो ये हमने जाना है। अब जानेंगे कि सहकारी बैंकों के समक्ष मौजूद चुनौतियां कौन कौन सी हैं। कुछ समितियों की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सहकारी बैंक अपने लंबे इतिहास के बावजूद देश में किसानों को विश्वास जीतने में असफल रहे हैं और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किसानों द्वारा लिए जाने वाले ऋण का कुछ ही हिस्सा सहकारी बैंकों से लिया जाता है, बाकी फिर वही साहूकार और बिचौलिया से जाते हैं और वहां शोषण होता रहता है। तो जो विश्वास है उसको अब तक कायम नहीं कर पाया है। और अगर बात करें कि अब तक छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने में असफल रहा है, अभी स्तरों पर अति देय यानी ओवर ड्यूज एक बड़ी समस्या है। आंकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की सदस्यता है वो मात्र 45% है, जिसका अर्थ ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के 55% लोग अब भी सहकारिता से नहीं जुड़ पाए हैं। वर्ष 1972 में गठित बैंकिंग आयोग ने इसके लिए कुछ कारणों को जिम्मेदार ठहराया था। जैसा उन्होंने कहा था कि ऋण हेतु जो निश्चित सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, उसको प्रदान करने में लोगों की अक्षमता है, भूमि रिकॉर्ड का कुप्रबंधन है, निर्धारित क्रेडिट सीमा की अपर्याप्तता और इसके अतिरिक्त ऋण चुकाने में सदस्य की अयोग्यता। कई अध्ययनों में सामने आया है कि देश के कुछ सहकारी बैंक निष्क्रिय हो गए हैं और कुछ तो सिर्फ कागजों पर ही है। अधिकतर सहकारी बैंक पेशेवर प्रबंधन की कमी का भी सामना कर रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या सहकारी बैंकों पर नियंत्रण के द्वंद से उत्पन्न होती है, क्योंकि इनका नियमन और नियंत्रण तो RBI द्वारा किया जाता है, परंतु इनका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा
किया जाता है। तो ये हमने इससे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जानी है, और इन समस्याओं को निजात, इनका हल निकाल लेना भी बहुत जरूरी हो उठता है। तो अब जानेंगे कि कौन से वो कदम उठाए जा सकते हैं जिनके कारण से जो सहकारी जो बैंक है, जो अपन देखा कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर चूंकि 45% लोग ही वह सहकारिता से जुड़े हुए हैं, तो वो कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, या फिर आगे की वो कौन सी राह हो जा सकती है जो सहकारी जो बैंक है उनको मजबूती प्रदान करे और वहां पे जो आवश्यक जो बदलाव है उनको स्थापित कर सके। जैसे कि कोई बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आता है, तो अगर अपन आगे की राह की अब ये हम बात कर लेंगे तो जानेंगे कि महत्वपूर्ण जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस की कमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसे जल्द से जल्द निपटना आवश्यक है। सहकारी बैंकिंग प्रणाली में वॉच डॉग यानी ऑडिटर को और अधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां ऑडिटर और जांच संस्थाओं की मौजूदगी के बावजूद भी लोगों ने घोटाले किए हैं। जैसे ही कोई बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आता है, उस बैंक के जमाकर्ताओं के समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है, उन्हें अपने ही पैसे को निकालने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। वर्ष 2001 में हुआ माधवपुरा मर्सेंटाइल को कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में बैंक के लगभग 45,000 जमाकर्ताओं को अपने पैसे निकालने के लिए 1 साल से भी अधिक समय का इंतजार करना पड़ा था। अतः आवश्यक है कि इस समस्या को जल्द से जल्द संबोधित किया जाए ताकि बैंक ग्राहकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी की अध्यक्षता में गठित सहकारी जो शहरी सहकारी बैंक है उन पर उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के सुझावों पर भी ध्यान दिया जाए, और समिति की रिपोर्ट की कुछ जो सिफारिशें हैं उनके विषय में जान लेते हैं कि क्या कुछ सिफारिशें रही हैं। सहकारी बैंकों पर आरबीआई को अधिक शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। बैंकों को बंद करने और उन्हें तरलता प्रदान करने जैसे निर्णय लेने हेतु आरबीआई को सशक्त और स्वायत्तता देने की आवश्यकता है। यदि शहरी सरकारी बैंक स्वेच्छा से छोटे वित्त बैंकों में बदलना चाहते हैं और साथ ही वे केंद्रीय बैंक के सभी मानदंडों को भी पूरा करते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। निष्कर्ष के रूप में जानेंगे कि देश में सहकारी जो बैंकों की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता, परंतु इन्हीं के माध्यम से हम देश की जो बैंकिंग प्रणाली है उसको जन जन तक पहुंचा पाए हैं, इसे भूला नहीं जाना चाहिए। परंतु सहकारी जो बैंकों की जो संबंधी जो घोटाले हैं उनको देखते हुए यह भी आवश्यक हो जाता है कि देश का शहरी जो बैंकिंग ढांचा है वो स्वयं में कुछ बुनियादी परिवर्तन की मांग कर रहा है, और ये जरूरी भी हो उठता है। नियंत्रण के द्वंद्व की जो समस्या है वो सहकारी बैंकों के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी समस्याओं में से भी एक है, जिससे निपटने के लिए बहुत जरूरी है कि आरबीआई और जो राज्य सरकार है वो एक ही पटल पर आकर समन्वित रूप से कार्य करें ताकि सहकारी बैंकों को देश के विकास में योगदान हेतु तैयार किया जा सके। तो घोटालों से निपटे जाने की आवश्यकता है। अब उन्हें अपने ही पैसे निकालने के लिए नागरिकों को अगर मशक्कत करनी पड़ती है तो ये चुनौतियां हैं। ये पूरा हमने जाना है सहकारी बैंकिंग प्रणाली से संबंधित ये आर्टिकल, अब एक मुद्दा आकार में सहकारी बैंकों के समक्ष इसमें क्या कुछ चुनौतियां हैं वो हमने जानी है, और ये जो सहकारी जो बैंक है उनका इतिहास क्या कुछ रहा है इस विषय में हमने हमने विस्तार से जाना है। सहकारी बैंक क्या होते हैं इसमें भी जाना है, और जो बड़ा जो कारण रहा है कि हमने जो सहकारी बैंकिंग प्रणाली है उसके विषय में आज बात की है, तो यही कारण है कि पंजाब और जो महाराष्ट्र सहकारी बैंक है उन पर कार्यवाही करते हुए अगले 6 महीनों तक किसी भी प्रकार का कार्य उनको ना करने का आदेश भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया है बीते महीने ही। तो आरबीआई और पीएमसी बैंक के ग्राहकों को पैसे निकालने की समय सीमा भी इसमें निर्धारित कर दी गई, तो ये एक बड़ा विवाद का विषय भी इन दोनों बना हुआ है, अखबार और न्यूज चैनल में भी सुर्खियों का विषय रहा है। तो ये पूरी रिपोर्ट थी सहकारी बैंकिंग प्रणाली से संबंधित। आज के जो कार्यक्रम आकार है उसमें अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। यदि आप अपने सपनों को जी रहे हैं तो आप हमारे साथ हैं। कार्यक्रम जो एबी प्लस टीवी है बुढ़ानी इसकी डिजिटल इकाई, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, परीक्षा उपयोगी और जागरूकता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण कार्य है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। यदि आपकी दिलचस्पी है और आप जागरूक बनना चाह रहे हैं तो आप निसंदेह आपका स्वागत है इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में। अभी के लिए बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत।